कक्षा छठी के हिंदी भाषा के सेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा विद्यार्थी जीवन यह पाठ हमने पहले वीडियो में पढ़ना शुरू किया था। यह वीडियो उस पाठ का दूसरा भाग है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं कि गांधी जी कह रहे हैं कि बचपन के जो संस्कार होते हैं वो गहरे होते हैं और किस तरह उन्हें व्यायाम करना और खेलना कूदना पसंद नहीं था। आगे बढ़ते हैं। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका कारण है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई है, जो अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए व्यायाम से मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु गीमी साहब क्यों कर मुक्ति देने लगे। तो वो अपनी नापसंद के कारण बता रहे हैं। उन्हें नापसंद खेलना कूदना व्यायाम करना नापसंद था, लेकिन उन्हें घूमना बहुत पसंद था। घूमना अर्थात चलना, बाहर जाकर खुली हवा में चलना, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, जो एक प्रकार का सर्वोत्कृष्ट व्यायाम माना जाता है, इसीलिए उनकी तंदुरुस्ती बनी रही। और स्कूल छूटने के बाद वो घर जाके अपने पिताजी की सेवा करते, उनके पैर दबाते, उनको दवाई देते, और इस कारण उन्हें स्कूल से जल्दी घर जाना पसंद था। लेकिन स्कूल छूटने के बाद व्यायाम करने के लिए या खेल खेलने के लिए उन्हें रोका जाता था, जो उन्हें बिल्कुल नापसंद था। ये बात उन्होंने अपने शिक्षक से कहने की कोशिश भी की, लेकिन उनके शिक्षक उन्हें जल्दी घर जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। एक शनिवार को सुबह स्कूल था, शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न चल सका। बादलों में मुझे धोखा हुआ। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा तब तक सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। मुझसे कारण पूछा। कारण तो जो था वही मैंने बतलाया। उन्होंने उसे सच न माना और मुझ पर एक या दो आना ठीक याद नहीं कितना जुर्माना किया। मुझे इस बात का अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं यह कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय न रहा। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मेरी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ कुछ स्मरण है कि अंत में वह जुर्माना माफ कर दिया गया था। एक बार क्या हुआ, शनिवार को उनका स्कूल सुबह का होता था, बाकी दिन दोपहर का होता था और स्कूल छूटने के बाद उन्हें व्यायाम करना पड़ता, खेलना पड़ता। शनिवार को सुबह के स्कूल से बच्चे घर जाते और शाम को व्यायाम की कक्षा के लिए खेलने के लिए वापस इकट्ठा होते। एक दिन सुबह का स्कूल था, शनिवार था और आकाश में बहुत बादल छाए हुए थे और बादलों के कारण 4 बजे जब उन्हें जाना था, बादलों के कारण उन्हें समय का अंदाजा नहीं आया। उनके पास घड़ी भी नहीं थी और इसलिए वो अपनी व्यायाम कक्षा में देर से पहुंचे, जब उनके शिक्षक ने उन्हें सजा दी। उन्होंने सच बोलने की बहुत कोशिश की लेकिन शिक्षक ने उनका विश्वास नहीं किया। उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा कि उन्हें सजा मिले, उन्हें बुरा इस बात का लगा कि उन्हें झूठा समझा गया और उन्हें कुछ जुर्माना भी हुआ। जुर्माना मतलब उन्हें कुछ दंड के स्वरूप में पैसे भी भरने पड़े। तो गांधी जी कहते हैं कि जो इंसान सच बोलता है उसे कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधान न रहने के कारण उन्हें सजा मिली। एक बात आप ध्यान से समझिए कि इस बारे में वो अपने शिक्षक को दोष नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि उनकी असावधानता के कारण उन्हें सजा मिली है और उन्हें इस बात का दुख हुआ है।
कुछ दिन बाद व्यायाम से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूं, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत न करने के भूल के लिए शायद सजा न भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूं। पढ़ाई में सुलेख का होना आवश्यक नहीं, यह कुबुद्धि मेरे मन में न जाने कहां से आ गई, जो ठेठ विलायत जाने तक रही। तो गांधी जी हमसे कहते हैं कि फिर उनके पिताजी ने ही उनके हेडमास्टर जी को चिट्ठी लिख कर दी कि स्कूल के बाद इसे घर आने की अनुमति दी जाए, ताकि वो कुछ घर के काम कर सके, वो मेरी सेवा कर सके, तब उन्हें व्यायाम से और खेलकूद से छुटकारा मिला। ये बात हमें थोड़ी अजीब लग रही है कि हम गांधी जी को खेलना कूदना या व्यायाम करना पसंद नहीं था, लेकिन यहां पर गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने घूमना जारी रखा था, तो घूमने के कारण मेरे शरीर की तंदुरुस्ती नियमित घूमने के कारण बनी रही। लेकिन एक और भूल मैंने अपने बचपन में की थी, वो थी सुलेख का आवश्यक होना आवश्यक नहीं है ऐसा मानना। सुलेख अर्थात सुंदर लेखन, सुंदर हस्ताक्षर, जो भूल आप और हम में से भी बहुत जन करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये कुबुद्धि है, ये गलत विचार है। विद्यार्थी दशा में बचपन में सुलेख का होना अच्छा, हस्ताक्षर का होना बहुत जरूरी होता है। कैसे और क्यों आगे देखेंगे। खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहां वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े युवकों के मोती की तरह अक्षर देखे, तब जाकर मैं बहुत लजाया और पछताया। मैंने देखा कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती है। जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की, उसे मैं फिर आज तक न सुधार सका। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। लेख सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूं कि बालकों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता है। और जब आलेखन कला सीख कर चित्र आदि बनाना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर सुंदर हो जाए। गांधी जी कहते हैं कि जब वो दक्षिण अफ्रीका वकीली सीखने के लिए गए, तब वहां के लोगों के, खासकर नवयुवकों के जो हस्ताक्षर थे, उन्होंने देखे सुंदर सुंदर अक्षर, वो देखने के बाद उन्हें बड़ी शर्म आई, क्योंकि बचपन से उन्होंने कभी भी सुंदर अक्षर को महत्व नहीं दिया था। और तब उन्हें जाके पता चला कि सुंदर अक्षर का होना कितना आवश्यक है, इससे आपका व्यक्तित्व पता चलता है। और तब उन्होंने अपना अक्षर सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर कच्चे पके घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती है। एक बार घड़ा पक जाए, उसके ऊपर दोबारा मिट्टी चढ़ाना बहुत कठिन होता है। वैसे ही गांधी जी को अपना अक्षर सुधारने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत कठिन हो गया, क्योंकि अब तक उनके अक्षरों का जो स्ट्रोक था, जो उनके अक्षरों की लिखावट थी, वो पक्की बन चुकी थी। तो वो आप विद्यार्थियों को यह संदेश देते हैं कि हस्ताक्षर का सुंदर होना बहुत आवश्यक है। जिस तरह आप सुंदर चित्र बनाना सीखते हो, उसी तरह सुंदर अक्षर लिखना भी आपको सीखना। शब्दार्थ लिखिए, सुगठित मजबूत, सुश्रुषा स्वास्थ्य की देखरेख, विघ्न बाधा, स्मरण याद, सुलेख सुंदर हस्ताक्षर, कुबुद्धि गलत विचार, विलायत विदेश, अवहेलना उपेक्षा, चेते जागरूक, आलेखन सुंदर लेखन का तरीका। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था।
यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते कि फारसी बहुत सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी है। विद्यार्थी जितना याद करता है उतने पर ही वे निभा लेते हैं। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ। उन्होंने बुलाया और कहा, यह तो सोचो तुम किसके लड़के हो, धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते, तुम्हें जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ, मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ, आगे चलकर तो इसमें रस की घूंटे मिलेगी, तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ, शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्ण शंकर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता, बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता है कि मैं संस्कृत अधिक न पढ़ सका। गांधी जी हमसे कह रहे कि दो विषय थे उन्हें, एक था संस्कृत और दूसरा था रेखा गणित। रेखा गणित अर्थात भूमिति, ज्योमेट्री। रेखा गणित में रटने जैसा कुछ नहीं था। गणित है तो लॉजिक का विषय है, उसमें रटने जैसा कोई नहीं है। लेकिन संस्कृत विषय जो है, गांधी जी के अनुसार बचपन में उन्हें ऐसा लगता था कि यह रटने का विषय है और इसलिए उन्हें वो समझ में नहीं आता था। चौथी कक्षा से वे संस्कृत पढ़ रहे थे, छठी कक्षा में पहुंचते पहुंचते उन्होंने हार मान ली और उन्होंने तय किया कि अब से वो फारसी पढ़ेंगे और इसलिए वो संस्कृत भाषा को, संस्कृत विषय को छोड़कर फारसी विषय की कक्षा में जाकर बैठ गए। जब ये बात उनके संस्कृत के अध्यापक को पता चली तब उन्होंने कहा, उन्हें बुलाकर कहा कि तुम्हें अपने धर्म की भाषा पढ़नी चाहिए। इससे भी बढ़कर बात यह है कि संस्कृत में तुम्हें आगे जाकर संस्कृत पढ़ने से बहुत आनंद मिलेगा और आज गांधी जी अपने संस्कृत के शिक्षक का, मास्टर कृष्ण शंकर जी का उपकार मानते हैं कि उन्होंने उस समय संस्कृत सीखने के लिए कहा और मैंने संस्कृत सीखा, तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का आनंद ले सकता हूँ। अगर वो मुझसे नहीं कहते और मैं संस्कृत नहीं पढ़ता तो मैं इस आनंद से वंचित रह जाता। संस्कृत वाकई अपने आप में एक अनूठी भाषा है। कई भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है और संस्कृत का जो साहित्य है वो अत्यंत समृद्ध साहित्य है। नासा के अनुसार कंप्यूटर के लिए संस्कृत सबसे कंपैटिबल लैंग्वेज है। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्याध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। जो चीज शिक्षकों के पास से सहज ही मिलनी चाहिए थी वह न मिली। फिर भी वातावरण से तो कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय आत्मज्ञान से है। मैं अच्छी तरह इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं और इसलिए यह बात अब तक खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ न हो पाया। गांधी जी कहते हैं कि उन्हें बचपन में विद्यार्थी दशा में धर्म शिक्षा मिलनी चाहिए थी जो उन्हें नहीं मिली। यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन ऐसा नहीं लेना है। यहाँ धर्म का अर्थ है आत्मज्ञान, खुद के बारे में ज्ञान, खुद की जिंदगी के बारे में, खुद के लोगों के बारे में, खुद के देश के बारे में ज्ञान। वह उन्हें शिक्षकों से नहीं सीखने मिला, आजू बाजू के वातावरण से वह उन्होंने सीखा। वो कहते हैं कि विद्यालय में धर्म शिक्षा का होना जरूरी है। इसके साथ गांधी जी ये भी कहते हैं कि बचपन में जो हम पर संस्कार होते हैं उनका प्रभाव हमारी जिंदगी पर रहता है और इसीलिए उन्हें इस बात का दुख है कि उन्होंने बचपन में, लड़कपन में अर्थात बचपन में विद्यार्थी दशा में बहुत सारे ग्रंथों का श्रवण पठन नहीं किया। वो आप सभी को संदेश देते हैं कि आपको विद्यार्थी दशा में अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए।
शब्दार्थ लिखेंगे हम, रेखा गणित भूमिति, दिल बैठ जाना मायूस हो जाना, प्रतिस्पर्धा मुकाबला, दर्जा कक्षा, पश्चाताप दुख, विद्याध्ययन पढ़ाई, अभिप्राय मतलब, श्रवण सुनना, पठन पढ़ना। तो मेरे विद्यार्थी मित्रों, कक्षा छठी की हिंदी भाषा के विषय की पुस्तक से मेरा विद्यार्थी जीवन, यह मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया यह पाठ हमने पढ़ा। दूसरी वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर सीखेंगे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।